राज्य में खनन के बाद सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत उत्पाद विभाग है। कोरोना काल में इस कारोबार पर भी ग्रहण लगा रहा। इसके बावजूद राज्य के कारोबारियों ने राजकोष को अपना भरपूर योगदान दिया। अब खुदरा कारोबारियों को सरकार की ओर से राहत देने की पहल शुरू की गई है। राज्य में शराब के थोक कारोबार पर JSBCL का एकाधिपत्य था। JSBCL को यह अधिकार राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने दे रखा था। परेशानी ये थी कि JSBCL पर काबिज अधिकारी वही माल मंगाते थे जिसे उन्हें प्रमोट करना रहता था। प्रतिस्पर्धा नहीं होने की वजह से बहुत से ब्रांच राज्य में अनुपलब्ध रहा करते थे, जो शायद अब नहीं होगा क्योंकि सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत शराब के थोक कारोबार को निजी हाथों में सौंप देने का निर्णय लिया है। फिर तो अंडरटेकिंग सरकार ही है, उसी के थ्रू ये कार्य होते आया है। बीच में भी झारखंड में कई प्रयोग हुए हैं, इसके पहले भी प्रयोग हुए हैं और पिछली सरकार भी प्रयोग किए हैं और पहले भी प्रयोग होते आया है। तो अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस पर। अब सरकार क्या इसमें पॉलिसी लाती है वो हम लोग को उम्मीद किया जा रहा है एक दो रोज में, मंगलवार तक हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तब इस पर हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या रखा गया है, क्या छोटे व्यापारी भी इसमें भाग ले सकते हैं इस व्यापार में कि नहीं ले सकते हैं, राज्य के व्यापारी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कि बाहर के व्यापारियों के लिए पॉलिसी बनाया गया है। ये सब को देखते हुए हम लोग दो तीन दिन के बाद नोटिफिकेशन आने के बाद ही एसोसिएशन फिर इस पर निर्णय लेगी। फिर राज्य के खुदरा कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि थोक व्यापार पर JSBCL का एकाधिकार होने की वजह से उन्हें माल उठाने से पहले ड्राफ्ट जमा करना होता था या फिर JSBCL के खाते में RTGS करना होता था। अब निजी संबंधों के आधार पर उधार भी माल का उठाव किया जा सकेगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। प्राइवेट हाथों में जाएगी तो हम लोग को सुविधा ही होगी, माल उठाने में हो सके कुछ दिनों का रियायत मिल जाए। जैसे ETT सरकार की जो लेती है हम लोग से मंथली, वो तो हम सरकार को दे ही देंगे, वो पहले ही देना पड़ता है। उठाने दरमियान माल पैसा का व्यवस्था नहीं हो पाया तो एक दो दिन का रियायत मिल जाएगा हम लोग को प्राइवेट हाथों में जाने से, और वो माल हम फिर बाद में वो उठा लें और बाद में पेमेंट कर दे, ये सुविधा मिल सकती है, हम लोग को आशा है। अभी तो शराब के थोक कारोबार पर एक नीतिगत निर्णय लिया गया है, अब सभी को इंतजार है सूचना के सार्वजनिक होने की, तभी जाकर कारोबारी इस पर कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। कैमरा पर्सन अभय के साथ आकाश।